नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो कि इंडिया का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे रहने वाली जनजातियों को ये तक मालूम नहीं है कि इंडिया किस चिड़िया का नाम है। इनकी दुनिया सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में ही है जो इनको दुनिया लगती है कि सिर्फ दुनिया इतनी है, और जो भी बाहर के लोग आते हैं इनके लिए वो एक तरीके से एलियन ही है जिनको वो देखते ही सिर्फ मार देना चाहते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक खतरा है। ऐसा वही नहीं बल्कि सारी दुनिया मानती है, और क्यों मानती है मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, और इस आइलैंड की पूरी हिस्ट्री आपको बता दूंगा जो शायद आपको मालूम नहीं होगी, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए और अभी तक के जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अंडमान निकोबार 572 आइलैंड का एक समूह है जिसमें से सेंटिनल आइलैंड भी एक है, और यहाँ पर रहती है सेंटिनल ट्राइब जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है, जो है साउथ अंडमान का वंदूर टाउन, जहाँ पर आराम से उनको हर तरीके की सुविधा मिल सकती है। और इसी के साथ साथ ये सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से, जहाँ पर इनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिल सकता है और इंडियन नेवी का बेस कैंप भी मिल सकता है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरह तरह की सुविधाएँ भी मिल सकती हैं। लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से ये इतनी पास रहते हुए भी काफ़ी दूर हैं। अब बात आती है कि किसने ये आइलैंड पहले खोजा था। तो माना जाता है कि 13 सेंचुरी में फेमस एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने ये आइलैंड खोजा था, और उन्होंने उसी वक्त ये बात भी कही थी कि ये जो ट्राइब है ये बहुत ही वॉयलेंट है और क्रूअल है, और इसी के साथ साथ ये कैनिबल भी है, ये अपनी जनजाति को छोड़ के किसी और इंसान को मारकर खाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। इसी के बाद में 17 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मानना है कि वो इस आइलैंड के पास से गुजरे थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ हलचल भी देखी थी। इसके बाद में 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप यहाँ से गुजर रही थी, और वो वक्त था मानसून का जिसकी वजह से समुद्र भी अपने उफान पे था, और उसकी वजह से इनकी नाव रीफ की एक चट्टान से टकरा गई जो समुद्र के नीचे थी, और इनको नहीं दिखी और इनकी शिप वहीं फंस गई, जिसकी वजह से इसमें जितने भी लोग थे करीब 106 के करीब लोग थे वो अपनी जान बचाते हुए इस आइलैंड पे तैरकर पहुंचे। लेकिन वहीं सेंटिनलीज ट्राइब ने इन पर अटैक कर दिया, और जैसे ही अटैक होता हुआ देखा इन्होंने ये वापस समुद्र में कूद गए, और वहां से गुजर रही थी रॉयल नेवी की एक शिप जिन्होंने इन सभी लोगों को बचा लिया। इसके बाद में 1880 में इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि इस ट्राइब को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ देना चाहिए, जिसके लिए एक एक्सपीडिशन चलाया गया जिसको लीड कर रहे थे मॉरिस विदाल पोर्टमैन, और वो अपनी टीम के साथ सेंटिनल आइलैंड पे गए, और वहां जाकर उन्होंने एक दो दिन के अंदर 6 जनों को पकड़ा, और उसके बाद में उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले आए, और इनमें से 4 बच्चे थे और एक फीमेल और एक मेल था, और ये जो 2 अडल्ट थे इनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग गई जिसके बाद में ये मर गए, और मरने के बाद में इन्हें पता लग गया कि इनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा सही नहीं है, ये धीरे धीरे बीमार पड़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद में इन 4 बच्चों को वापस उसी आइलैंड पे छोड़ के आया गया। अब 1956 में जाके इंडिया की गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लगा दिया इस जनजाति को बचाने के लिए, एबोरिजिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1956। इसके तहत करीबन 10 किलोमीटर का जो एरिया है इस आइलैंड के पास का, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा जिसको पेट्रोल करती इंडिया की नेवी। ये इसके लिए किया गया था क्योंकि अगर कोई भी बाहरी दुनिया का आदमी इस आइलैंड पे जाता है तो उसकी जो बीमारियाँ हैं इस ट्राइब को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, क्योंकि अगर इस ट्राइब को खांसी या जुखाम जैसी बीमारी तक हो जाती है तब भी ये उससे मर सकते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है जो इन बीमारियों को नहीं संभाल पाएगी। हमारे इम्यून सिस्टम इन बीमारियों को जानता है और उसे पता है कि जब जुखाम आएगा तो किस तरीके से लड़ना है, जिसकी वजह से हम बिना दवाई खाए 2 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। खांसी हो जाती है, हम 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनकी इम्यूनिटी ये सारी बीमारियों को नहीं जानती, जिसकी वजह से वो इनसे लड़ भी नहीं पाएगी, और इन बीमारी के वायरस सभी में फैल जाएंगे जिसकी वजह से ये पूरी जनजाति ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद में 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम को परमिशन मिल गई थी इस आइलैंड की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, जिसके लिए वो अपनी बोट को इस आइलैंड के आसपास ही घुमा रहे थे, और वो यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ वीडियो कैप्चर कर रहे थे।
थे, लेकिन सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाली ट्राइब्स ने इन पर अटैक कर दिया अपने तीर कमानों से, और एक तीर डायरेक्टर की टांग पर भी लग गया, जिसकी वजह से ये पूरी डॉक्यूमेंट्री कैंसिल कर दी गई और बोट को भगाया गया इस आइलैंड से दूर। इसके बाद में 1981 में एक नाव जा रही थी कुछ माल लेके, जो फंस गई रीफ की चट्टान में, जिसके बाद में सेंटिनलीज की जो ट्राइब्स थी वो फिर से अटैक करने के लिए आ चुकी थी, और वो वहां पर बिल्ड कर रहे थे एक नाव, क्योंकि ये थोड़ी दूर फंसी थी जहां पर उनके तीर कमान नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से वो नाव बिल्ड करके वहां पर आने वाले थे। तो उन्होंने रेडियो कॉल करी, जिसके बाद में एक हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए आया, और इसी के साथ साथ इस नाव में जो सामान था उसको निकालने में भी करीबन 10 साल लग गए, और 1991 में जाके इसमें से वो माल निकाला गया जो कहीं और पहुंचाना था। और अभी तक की हिस्ट्री में सिर्फ ऐसा एक ही बार हुआ है जब इस ट्राइब ने किसी पर अटैक नहीं किया जो इनकी तरफ बड़े हैं, जो थे त्रिलोकनाथ पंडित, जो इंडिया के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने कलीग के साथ में वहां जाकर इनको कुछ गिफ्ट दिए जो थे नारियल वगैरह, और वो देने पर इन लोगों ने इन पर अटैक नहीं किया। और यही पहली बार थी जब ये ट्राइब पीसफुली दूसरे लोगों से मिली थी। इसके बाद में 2004 में सुनामी आई, जिसकी वजह से केरला को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, अंडमान निकोबार को भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, और इस आइलैंड को भी देखने के लिए इंडिया की एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की एक टीम गई, जिनका स्वागत इस ट्राइब ने किया तीरों से, जिससे ये मालूम चल गया था कि ये वहाँ पे अभी भी सेफ हैं और जिंदा हैं। अब इसी के साथ साथ 2006 में सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई, जब इलीगली दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे लेकिन वो नाव में सो गए, जिसकी वजह से लहरें इन्हें ले गई सेंटिनल आइलैंड के करीब, और जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचे उन्होंने इनका स्वागत कर दिया तीरों से, और ये तीरों से वहीं मर गए। और इनकी बॉडी रिकवर करने के लिए जब हेलीकॉप्टर भेजा गया तो दोबारा से हेलीकॉप्टर पे भी अटैक किया गया, तो इनकी बॉडी वहीं छोड़ दी गई। अब इसके बाद में जो लेटेस्ट इंसिडेंट आता है वो है 2018 के नवंबर का, जब 15-16 तारीख के करीब में जॉन एलन चाउ की मृत्यु हो गई, जो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए गया था। हालांकि जाना मना है, वहाँ पे बैन है, इनलीगल है, लेकिन कुछ मछुआरों को पैसे खिलाकर इसने वहाँ तक का रास्ता तय कर दिया, और किस तरीके से इन मछुआरों ने इंडियन नेवी से छुप छुपा के इसको वहाँ तक पहुँचाया वो तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उन नाव वालों को अरेस्ट कर लिया गया और जॉन एलन चाउ की मृत्यु हो गई है उसी आइलैंड पे, उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने सबकी करी थी अपने तीर कमानों और भालों से, तो इसकी मृत्यु वहाँ पे हो चुकी है, जिसकी बॉडी रिकवर करनी भी अब मुश्किल हो चुकी है, जो शायद हो भी ना पाए। तो फिलहाल के लिए सेंटिनल आइलैंड की पॉपुलेशन की बात करें तो रफली माना जाता है कि ये करीबन 50 से 400 के करीब में हो सकते हैं, और ये एक तरीके से वन मानुष है, क्योंकि ये उन्हीं जंगलों में रहते हैं जो इस आइलैंड के अंदर हैं, और वहीं पर जो भी फल वगैरह मिलते होंगे वही खाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी करनी तो इन्हें अभी भी नहीं आती, जिस तरीके से आप गूगल मैप पे देख सकते हो, तो यहाँ पे कोई खेती का कोई नामो निशान नहीं है, और इसी के साथ साथ ये ज़रूर मछली पकड़ के भी खाते होंगे, क्योंकि इनके हाथ में तीर कमान है तो ये शिकार करके ही वहाँ पे खाने वगैरह का जुगाड़ कर लेते होंगे। सो बेसिकली ये रह तो यहाँ पे हज़ारों सालों से रहे हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं आई है, ये अभी खेती बाड़ी तक भी नहीं पहुँचे हैं जो आदि मानव पहुँच चुके थे, जहाँ तक ये वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इन्हें हथियार चलाना बखूबी आता है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सेंटिनल आइलैंड के बारे में इतनी ही जानकारी थी मेरे को आपको देने के लिए, लेकिन अगर आपको और भी कुछ मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि दूसरों को भी कुछ चीज़ें मालूम चल सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन को ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।